नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ रॉबर्ट रोसारियो जुड़ चुके हैं, और ये खुद एक क्रिश्चियन फैमिली से तो बिलोंग करते हैं, बट हमेशा उनके निशाने पर होते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई बताते हैं। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता था, वैसे हमारे चर्चा का विषय है आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। उन्होंने दामोह मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को 300 से ज्यादा लोगों की घर वापसी करें, जी और हमेशा वो बोलते होते हैं कि चादर और फादर वालों से दूर रहे। तो आप चादर फादर तो समझ ही सकते हैं कौन है लोग। जी बिल्कुल। तो आज मैं उस मैटर पे समझना चाहता था इनकी पॉलिटिक्स के बारे में, कि ये चादर वाले ज्यादा खतरनाक है या फादर वाले ज्यादा खतरनाक है, या फिर अगर काउंटिंग करना होगा तो किसको किस नंबर पे रखेंगे आप? जी आपने तो एक अच्छा सवाल पूछा कि किसको कहाँ रखें, कौन ज्यादा खतरनाक है। अब देखिए, आपको बंदूक लेते हुए दुश्मन मिलेगा सामने, उसके हाथ में बम मिलेगा तो आपको दिखाई देता है कि वो शत्रु है, उससे बच के रहना है, या ही उसको मुकाबला करना है, बच के रहना है। अगर आपको सामने एक बिल्कुल एक साफ सुथरा सफेद सफेद आदमी मिला, बहुत ही सुंदर लगता है, आपको मन लगेगा जाके गले मिले। अगर उसके पीछे, उस सफेद पर्दे के पीछे अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन खतरनाक है? यहाँ एक सामने आपको दिख रहा है कि मुंह दिख रहा है कि शक्ल से दिख रहा है कि वो एक बड़ा खतरनाक आदमी, तो आप बच के रह सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं, दोनों में एक आपके पास एक चॉइस है। इधर कुछ भी नहीं है, आप जा जाके उस चंगुल में फंस जाएंगे जो साफ सुथरा आदमी है, तो वो ज्यादा खतरनाक है ना। तो आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। अब देखिए, अभी इस्लाम का खतरा तो आपको सामने दिखता है, उनका कहीं बम फोड़ते हैं, कहीं गला काटते हैं, कहीं दिखता है बिल्कुल सामने, कितने वो छुपाने की कोशिश करें तो भी दिखता है, लेकिन चर्च का आपको दिखता नहीं है बिल्कुल बिल्कुल सामने। ये दिखता है कि सेवा सेवा ही सेवा, सेवा के आड़ में सब कुछ है, सबके बड़े मानवतावादी दुनिया में तो हम ही है, हमसे बढ़कर तो ह्यूमैनिस्ट कोई है नहीं, तो ये इमेज है। लेकिन इनके इनके कारनामे अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जान के देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि इनके हाथ में भी कोई कम बम नहीं थे, कम तलवार नहीं थे। लेकिन आज आजकल क्या हुआ, ये बम तलवार की जगह पे साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बोलते हैं ना आप, देखिए मानसिक तौर पे किसको गुलाम बनाना, तो हथियार नहीं मिलेंगे हाथ में, तो एक मानसिक लड़ाई है, तो वो मानसिक लड़ाई के खला में उन्होंने बहुत ही क्या मास्टरी हासिल कर ली है, और ये ज्यादा खतरनाक है। तो अगर जब तक ये समझेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, नहीं समझे तो। बट आम लोगों के बीच में एक परसेप्शन होता है कि जो दिख रहा है वो ज्यादा खतरनाक है, जबकि पीछे से जो खेल कर रहा है वो अपना बन कर भी कई बार अपना सॉफ्ट इमेज दिखाकर कोई ऐसा काम कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि नहीं, ये अच्छा है, वो ज्यादा खतरनाक। वो ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आप, आपके पास चॉइस नहीं है ना। आप जा के अभी अभी देखिए, ये बोलते हैं क्या, किसी को एक मछली पकड़ने के लिए कोई एक ये डालता है, नहीं तो एक चीता पकड़ने के लिए आप एक कुत्ते को बांध देते हैं, तो चीता को पता नहीं लगता वो कुत्ते को खाने के लिए आता है, उसको पता ही नहीं कि वो बिना मालूम ही वो पंजर के अंदर चला जाता है, ये ज्यादा खतरनाक है। अगर उसको पता होता तो सोच समझ के कुछ हिसाब लेता ना, कुत्ते का खाऊं या गोपाच रहूं, दोनों चॉइस होते तो ये पता नहीं बिना तो ये ज्यादा खतरनाक है ना। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, ये तो पहला तो आपने आंसर खैर दे दिया, दूसरा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि पॉलिटिकली दोनों दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रांग है, फादर वाले या चादर वाले? नहीं, चर्च हमेशा ज्यादा स्ट्रांग है पॉलिटिकली। दुनिया भर की पिक्चर देखिए आप, भारत के परिप्रेक्ष्य में मत देखें इसको, पूरा ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में तो चर्च हमेशा भारी पड़ेगी, हमेशा। पूरा इनका पूरा तंत्र, दुनिया का पूरा तंत्र इनके चंगुल में है, अमेरिका से लेकर। आप मालूम है अभी अभी अफ्रीका बोलते हैं कि बड़ा भाई है, सबके दुनिया के ऊपर दादागिरी करता है, लेकिन उसके पीछे कौन है, अमेरिका का कौन चलाता है? अगर ये समझेंगे तो समझ में आएगा कि अगर अमेरिका चाहे तो किसी भी एक इस्लामी देश को यूं ही तबाह कर देगा, तो कौन शक्तिशाली है, तो अमेरिका के पीछे कौन है, वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ ना। तो क्या आपको ये लगता है कि भारत के भी पॉलिटिक्स को ये प्रभावित करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित करते हैं। मैं तो हमेशा से कहते रहता हूं, हम तो क्या आजादी का स्वर्ण महोत्सव, क्या आजादी का अमृत महोत्सव मनाने में लगे पड़े। मैं बोलता हूँ कि काई की आजादी, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस गई नहीं है,
ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी भी है, तो कई की आजादी है। तो जरा होशियार रहिए आप, अगर आप उत्सव में लगोगे, अगर अरे यार 75 साल हो गए हम आजाद हो गए ये मनाने में लगेंगे, तो दुश्मन के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता कि आप तो बस आचरण में लगे, तो हम मंदिर और अपना काम चला ले। तो जब तक आप सतर्क रहोगे तब तक दुश्मन से लड़ पाओगे। तो सर इनका जो इकोसिस्टम है, जैसा कि ये बागेश्वर धाम के साथ हुआ, उनको पहले पता लग गया था कि अब उनको टारगेट किया जाएगा। एक संस्था का नाम आया अंधविश्वास अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति करके, उसका श्याम मानव करके आए, उस संस्था के ऊपर विदेशी चर्चों से पैसे लेने का आरोप लग चुके हैं, और 2017 में उसने विदेशी पैसों में कुछ गड़बड़ी की थी, जो पैसे लेते हैं वो, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया था। तो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से आप देखते हैं कि अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना, और उसका विदेशी चर्चों से पैसा लेना, और एक हिंदू सन्यासी को टारगेट करना? अब देखिए, अंधश्रद्धा के नाम पे या अंग्रेजी में इनको रैशनलिस्ट बोलते हैं, रैशनलिस्ट मतलब विचारवादी, विचारवादी का संगठन है। हम तो यार बस साइंस और साइंस में भरोसा करने वाले हैं, कोई भगवान या कोई इसमें भरोसा नहीं करने वाले हैं, साइंटिफिक टेंपर पे बात करने वाले रैशनलिस्ट बोलते हैं। तो अगर आप इनका इतिहास देखो, कई साल पहले, थोड़े साल पहले इनका एक सबसे बड़ा नेता हुआ करता था, नाम है उसका अब्राहम कोर। अब्राहम कोर का नाम आपने सुना होगा, नहीं तो मिलेगा, बहुत ही जाना माना नाम है। वो मलयाली था, ईसाई था, पैदाइश ईसाई था, बाद में क्रैशनलिस्ट बना, और उसने तो ये अंधविश्वास के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ बोला है, दो किताबें भी है उनकी। आप उनकी किताबें पढ़ोगे तो आप हमेशा पाओगे कि वो चर्च को निशाने पर रखता है। वो बोलता है कि दुनिया भर में मेंटल पोल्यूशन, जो टर्म उन्होंने यूज किया था, मेंटल पोल्यूशन, मानसिक प्रदूषण फैला था चर्च, इसीलिए पोप को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, यहां तक उसने कहा है। लेकिन आजकल की वो रैशनलिस्ट मूवमेंट आप देखिए तो आप क्या पाओगे, आप ना वो ईसाइत के खिलाफ कुछ बोलेंगे, ना इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे, सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। तो क्या मकसद है इनका? अब्राहम कोर के रास्ते से क्यों हट गए हैं? तो अपने आप ही समझ में आता है कि क्यों हट गए हैं। यही तो शायद कोई मास्टर स्ट्रोक हो, जो शायद मैं और आप ना समझ पा रहे हो। इसका मास्टर स्ट्रोक चर्च का या राष्ट्रवादियों का? नहीं, राष्ट्रवादियों ही, राष्ट्रवादी ही तो मास्टर स्ट्रोक करते हैं, जो अपना सब कुछ बर्बाद करके उसमें भी मास्टर स्ट्रोक तलाश रहे। तो राष्ट्रवादी, मास्टर स्ट्रोक तो राष्ट्रवादियों का हथियार है ना, बाकी कोई अपना नहीं सकता इसको, उनका ये वो क्या सोल होल कंसोल, उनका शायद कॉपीराइट भी है उनके ऊपर। जब चर्च से जुड़ा हुआ मामला है और पोप का आपने जिक्र किया, तो अभी पोप ने समलैंगिकता को समर्थन किया है, और वही चीज पहले मोहन भागवत कर चुके हैं, और रामायण में अपना उसका रेफरेंस तलाशने लगे, जबकि उसमें ऐसा कुछ, सॉरी महाभारत में उसका रेफरेंस तलाशने लगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या है कि इधर मोहन भागवत बोलते हैं, उधर से पोप बोलते हैं? पोप पहली बार नहीं बोले, आपके पोप जो है ना, पोप फ्रांसिस, वो पोप बन गए थे पिछले 10 साल पहले, 2012-13 में बने थे। तब से लेकर ये कुछ हटके जो भी पोप हमने देखे आज तक, उनसे कुछ हटके जरा सीधा साधा बोलने वाले इंसान थे फ्रांसिस। तो इन्होंने ऐसे कई सारे कंट्रोवर्शियल हम कहें ऐसे स्टेटमेंट किए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि पहले जो जिस बातों पे बहुत ही एक क्या बोलती है कट्टर थी, उन बातों से हट कर बात की है, तो उस परपेक्ष में इन्होंने कई सारी बातें कही है फ्रांसिस ने, उसमें ये भी है समलैंगिकता भी एक है। तो इनका तो अभी अभी आया ना संघ, तो अभी अभी आया, नया नया कुछ है, ताजा ताजा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि पहले से कोई इस मतलब इनकी चल रही हो, क्योंकि अब तो संघ भी ग्लोबल एजेंडे पे काम कर रहा है, ये तो ग्लोबल एजेंडा ही है LGBTQ। संघ के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा तो यही यही मानना है कि इनके अध्ययन नहीं इनके पास है ना कुछ, ना ये कुछ कई चीजों को समझ पाते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं, यही तो बड़ा दिक्कत लगता है मेरे को। इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, इंटेलेक्चुअल स्तर पर ये ज्यादा नहीं है, बहुत ही कमी नजर आती है मुझे तो, ना सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, ना उसके डेप्थ में जाते हैं। तो बस ऐसे कुछ हिंदुत्व बोलने से थोड़ी होगा,
आपको समझना पड़ेगा ना, दुश्मन का मानस समझना पड़ेगा, इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा, वो तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो आप जो चर्च का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम इकोसिस्टम है उसके बारे में आप जानते हैं, इनको जो पहली बार टारगेट किया गया, इनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई मामला बन नहीं रहा था। क्या आपको लगता है कि भविष्य में भी इस तरह से इनको टारगेट करते रहेंगे? कौन किसको टारगेट करेंगे? जैसे कि उन्होंने घर वापसी कराई, उसके बाद वो मिशनरीज के निशाने पर आए, जिस संगठन ने उनके ऊपर आरोप लगाए उसके ऊपर आरोप है कि वो विदेशी चर्चों से पैसा लेता है, तो फिर अगर आप जो ये सारे डॉट कनेक्ट करें तो इसको आपको ये लगेगा कि इसके पीछे मिशनरीज हैं। तो बिल्कुल, अरे मिशनरी तो है ही ना, तो उनके बिना कैसे होगा? अरे अभी एक बात समझिए आप, जिसको भी अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता है, जो भी अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता है, इसका मतलब उसका मिशनरीज का, चर्च का समर्थन प्राप्त है, बिल्कुल। अब देखिए पूरा दुनिया भर में, दुनिया के हर कोने में अपना जड़ फैलाने वाले कौन सी संस्था है? आप देखो कौन है, संघ है या कोई है? कोई है तो एकमात्र है, चर्च है, पूरा दुनिया भर में उसकी जड़ें हैं। तो दुनिया भर में आपको खलना मचाना है, कुछ भी करना है, तो चर्च का समर्थन तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना होगा नहीं। और जिसका भी चर्च का समर्थन है, वो तभी तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मंच पर आ पाएगा, नहीं तो आ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल साफ बात है ना, जो ही जाके अमेरिका में जाके अगर भारत के खिलाफ चिल्लाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उसको चर्च का समर्थन बिल्कुल जरूरी है, और है भी वो। तो फिर ये जो आपने बताया कि भारत के भी पॉलिटिकल सिस्टम को ये प्रभावित कर रहे हैं, उसको आप मतलब किस आधार पर देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित? पूरा पूरा तन, आप देखिए, मैं अभी अभी मैंने कहा कि ना, ईस्ट इंडिया कंपनी वापस नहीं गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो आप पूछेंगे कहाँ पे, किस आड़ में है? तो पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी के आड़ में थी, व्यापारी। अब की भी ईस्ट इंडिया कंपनी तो रिलीजन, चर्च के आड़ में है, तो रिलीजन पहन के तो चर्च के आड़ में है, तो फर्क तो इतना ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी रूपांतर किया, ये जो कोरोना का वायरस जो रूपांतर होता है ना, म्यूटेशन कहते हैं, एक से दूसरा, तो वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का म्यूटेशन हुआ है कि एक व्यापारी संस्था से एक रिलीजियस संस्था बन गई है, बस इतना ही। और ईस्ट इंडिया कंपनी आज तक, आप देखिए पूरा हमारा तंत्र का पूरा कंट्रोल आज भी चर्च के हाथ में है, ये नरेटिव कंट्रोल है ना, भारत में जितना भी नरेटिव होता है, हर नरेटिव का कंट्रोल बोल रहा हूं मैं, टोटल कंट्रोल चर्च के हाथ में है आज भी। तो बट ये जो नैरेटिव बनाते हैं वो सारे मतलब इस्लामिस्टों के साथ क्यों हो जाता है? जैसे कोई भी अगर नैरेटिव उठाकर देखिए तो अल्टीमेटली वो जो इस्लामिस्ट है उनके फेवर में होता है। वो तो स्ट्रेटजी है ना, रणनीति है। भारत में उनको समझ में आया कि 200 साल ईसाइत और 600 साल या 800 साल इस्लामी शासन के बाद भी आप हिंदुओं को हरा नहीं पाए, 80% हिंदू बच गए, तो इनको पूरा दुनिया भर में कहीं नहीं हुआ। दुनिया भर में 10-15 साल में इन्होंने जहां भी गए सारे पूरा छुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन भारत में हुआ नहीं है। तो इनको अभी समझ में आया है, अभी मतलब अभी नहीं, एक 50 साल 75 साल पहले समझ में आया कि इनको हराने के लिए सब शक्तियों को दुनिया के साथ में आना पड़ेगा। तो एक सोची समझी रणनीति है वो, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे चर्च हो, चाहे आपके कम्युनिस्ट हो, ये सारों लोगों को इकट्ठा आना पड़ेगा, चाहे वो आपस में लड़े बाहर, भारत के बाहर आपस में लड़ते हैं, लेकिन भारत में सब साथ है, साथ मिलकर ही हिंदू का सामना करें, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। ये उनको समझ में आया तो साथ में है। यहाँ पे आपको विरोधाभास लगेगा, लेकिन है उनकी रणनीति है ये ना, पंचमकार। पंचमकार में ये था ना सारे पांच ये वर्ग, तो आप तो बाहर, भारत के बाहर आप देखोगे इनको, आप सामने सामने लड़ते रहेंगे, ईसाई और इस्लाम तो आमने सामने लड़ती है बाहर, लेकिन भारत में तो साथ में है। कम्युनिज्म और चर्च साथ में नहीं जाते दुनिया भर में, लेकिन भारत में साथ में है। तो यही है ना रणनीति, इनको अपना हम क्या करें, अभी भारत को तोड़ने के लिए साथ में आना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है वो, इसलिए वो रणनीति में आए। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि जो चर्च जो भी मिशनरीज हैं वो पूरे कन्वर्जन बेस्ड है, उनको कन्वर्जन के आधार पे ये करना है क्योंकि वो तो 10-12-20 बच्चे पैदा करते नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता अरे कि उनका बिल्कुल, वो दाव दाव फीका पड़ जाए, क्योंकि वो जब तक कुछ कर पाए उससे पहले ये भारत किसी अन्य के जैसे कि जो भी इस्लामिस्ट है उनके हाथ लग जाए? नहीं, वो उनको भी पता है, चलो ऐसा नहीं कि भाई इसको पता नहीं है, पता है, लेकिन वो जानते हैं कि इनको इनको कैसे टिकाने लगाना है, इस्लाम इनको कैसे टिकाने लगाना है, चर्च अच्छे से जानता है।
उनको मुश्किलात तो हिंदुओं से है, हिंदू तो ऐसे लोग हैं इनको तोड़ना बहुत ही ये ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इनको तोड़ के फिर इस्लामियों को कैसे ठिकान लगेगा? आपने देखा होगा दुनिया भर में, देखा आप, देखिए इराक की हालत देखिए, कैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को खत्म किया, या कई सारे लोग थे जो इस्लामिक शासक थे कैसे खत्म किया, वो भी ह्यूमन राइट्स के नाम पे खत्म किया। अरे और दुनिया के लिए खतरा है ये आदमी, तो इसको मारना जरूरी है, बस एक नैरेटिव बना दो और उड़ा दो सद्दाम हुसैन को। तो जानते हैं कैसे कदम करना, उनको मुश्किल तो भारत से है। और भारत के जो इस जो यहाँ का मेजोरिटी है उससे। जी जी बिल्कुल। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि जो आपने बताया, जो एक इंटरनल होता है सॉफ्ट की बात आपने कही थी, जैसा कि चादर वाले सॉरी फादर वाले सॉफ्ट होते हैं और वो हार्ड है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हिंदुओं के बीच में ही एक ऐसा इकोसिस्टम काम करने लगा है जो हिंदुओं को समाप्त करने पर तुला हुआ है? बेशक आप उसको मान लिया गया कि वो उसका संगठन है, उसके नेता है, और वही उसको खत्म करने का काम कर रहा है। बड़े तादाद में ही, बड़े तादाद में है, छोटे तादाद में नहीं। आपको पता नहीं, आप तो उत्तर भारत में रहते हैं, आप साउथ में आके देखेंगे, कर्नाटक में देखेंगे, ये भगवादारी, भगवादारी की बात कर रहा हूं मैं, ना कोई फादर वाले की नहीं। वो ईसाइत की, इस्लाम की यार वाहवाही करते, हिंदू की बुराई करते, भगवादारी लोग, कई सारे नाम गिना सकता हूँ यार। वो है अपने क्या लिंगायत, लिंगायत मटके स्वामी जी, परसों परसों एक 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 अत्याचार केस में एक जेल गया ना आदमी, वो भी शामिल है उसमें, टिप्पू सुल्तान के को मूर्ति उसने मठ में रखा था। ऐसे ऐसे लोग आपको भगवादारी में मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन तो मठ में भी हुआ है, मठ के अंदर चर्च का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। अब देखिए पॉलिटिक्स में कैसे भी हुआ, पॉलिटिक्स में तो 100 साल 150 साल पहले ही इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, अब मठों के अंदर चर्च का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, भगवादारी इनकी भाषा बोलते हैं, अब क्या बचा? मोहन भागवत से भी 3 घंटे मीटिंग की है जमीयत उलमाए हिंद से, और उसने जिसने नुपुर शर्मा का गला काटने पर अपना घर देने का वादा किया था, और जमाते इस्लामी से 3 घंटे की उनकी मीटिंग चली है। तो जब एक बड़ा तथाकथित हिंदू संगठन जब उनके गिरफ्त में आ चुका, चाहे चादर वाले हो या फादर वाले, तो फिर बाकी मैटर को आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जो ये पूरा सिस्टम चलेगा और कैसे उनसे फाइट कर पाएगा? नहीं, यही बोला ना मैं शुरुआत में, कहा कि ना समझिए, ये संघ के बारे में ना समझी तो इतनी बढ़कर है कि ये ना समझ को ना बिल्कुल ये शत्रु को समझ नहीं पाते हैं। ये तो बड़ी बड़ी चौंकाने वाली बात है मेरे लिए। तो यार इतने बड़े तगड़े नेता हैं, इतना बड़ा संगठन है, लेकिन दुश्मन को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो यार बहुत ही क्या चिंताजनक स्थिति है, ये तो चिंता की स्थिति है। अच्छा, जो ये हमारा मीडिया है, जैसा कि हमने शुरू किया था, हमारे चर्चा का विषय भी वही है, आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पहले उनका करेक्टर असैसिनेशन करने का अलग अलग तरीके से प्रयास हुआ, पहले बताया गया कि वो चमत्कारी है, तो उन्होंने बताया कि मैं चमत्कारी नहीं हूँ, भगवान के प्रति मेरी आस्था है। उसके बाद अंधविश्वास से भी जोड़ा गया, वहां भी फेल हो गए। फिर मीडिया अब उसको कला बताने लगी कि एक उन्होंने विद्या सीख ली है और उस विद्या के आधार पर लोगों को गुमराह कर, अच्छी बात है, अगर भगवान उनके साथ है, हर चीज से वो निकल गए और लगातार जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो जो भी अगर कोई सनातन के लिए खड़ा होता है, तो उसको अगर देखा जाए तो बैक स्टेप करने वाले कौन ज्यादा लोग होंगे? बैक स्टेप जी, जैसे कि जैसे पीठ में छुरा घोपने वाले तो हैं, जैसे कि अभी भी ऐसा मैं जैसा मानता हूं कि अभी भी उनके खिलाफ षड्यंत्र कम नहीं होंगे, और कई ऐसे भी लोग होंगे जो कि भगवादारी जिसकी आप बात कर रहे थे, वैसे लोग भी उस षड्यंत्र में शामिल होंगे। और ये जो मीडिया है, मेरा पॉइंट मीडिया से था जी, बिल्कुल। तो ये मीडिया ऐसा क्यों है कि जैसे कि एक बजिंदर सिंह का नाम आपने सुना होगा और एक नरूला करके, ये कैंसर ये धर्मांतरण कराते हैं मिशनरीज के जो भी होंगे कुछ, वो क्या करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं और किसी को पता नहीं कैसे झाड़ फूक करते हैं, वो महिला लगती है नाचने, कहीं एड्स ठीक कर देते हैं, कहीं कैंसर ठीक कर देते हैं, किसी कोई लंगड़ा होता है उसको हाथ फेर देते हैं, वो फिर वो खड़ा होकर चलने लगता है। तो ये पोप फ्रांसिस है, वो भी व्हील चेयर पे चलते हैं, तो क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये वहां चले जाए, वो इनके पास है? आपने आपने एक छोटे मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, आपने नहीं देखा? वो भी देखा है मैंने, मुर्दे को जिंदा करते हैं,
इससे बढ़कर क्या हुआ? मुर्दे को भी जिंदा कर देते हैं। हाँ वैसे मिलेंगे आपको वीडियो मिलेंगे ना, अभी अभी मरा था एक दो चार घंटे पहले हमने जिंदा कर दिया, ऐसा भी है। बड़े बड़े चमत्कार है तो सारे भगवान के नाम पे यार, ईसा मसीह के नाम पे। तो सर ये बताइए कि जो ये मीडिया है वैसे मुद्दों को ना उठा के एक किसी संत के पीछे क्यों पड़ जाती है, कि इसके पीछे इकोसिस्टम क्या है और क्या है इनका पूरा? वही बोला मैं, इकोसिस्टम वही है कि पंचमकारों का इकोसिस्टम। पंचमकारों में ये भी आते हैं, चर्च आता है, मिशनरीज आते हैं, मुल्लाए आते हैं, मार्क्सिस्ट आते हैं, मैकॉले पुत्र आते हैं, और मीडिया भी आती है। मीडिया मतलब अपना ये लुथियन मीडिया, अंग्रेजी मीडिया जो है या अंग्रेजी मीडिया द्वारा कंट्रोल्ड है, उनका एजेंडा ही वही है ना। एजेंडे के तहत ही चलने वाले लोग हैं ये। आजकल ये सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए तो सच बाहर आ रहा है, नहीं तो आज भी तो बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं सब सब कुछ हर बात पे। वो तो चलिए ठीक है, वो हमेशा प्रयास करते हैं कि इन चीजों को दबा कर रखें, लेकिन जो सच्चाई सामने आ भी जाती है उसके बावजूद भी उस चीज को वो एक्सेप्ट ना करके एक संत के पीछे पड़े होते हैं, जबकि मीडिया को लोगों टैग कर रहे हैं ये देखो यहाँ पर ये चीज हो रहा है, यहाँ पर ये चीज हो रहा है, लेकिन मीडिया उसके बात करने के बजाय उस मामले पर तुली हुई है। पैसा 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 मीडिया को चाहिए पैसा, पैसा कहाँ से आता है? इकोसिस्टम तो वहाँ है ना, अंतरराष्ट्रीय आपको क्या बोलते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपको मंच चाहिए, पैसा चाहिए, दोनों कहाँ से मिलता है? वहीं से मिलता है, इधर से आपको कुछ नहीं मिलता। इधर से सिर्फ आप रोटी कमाते होंगे इस धरती पर, लेकिन एजेंडा तो उनका चलाते हैं ना। आपको अमेरिका में जाके किसी का ये पुरस्कार चाहिए, कुछ चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? उनको उनका ये करेंगे तभी मिलेगा ना, तो उनकी वाहवाही करेंगे तो आपको मीडिया क्यों? आपके मिलॉर्ड्स भी कई सारे मिलेंगे कि अमेरिका में जाके वाहवाही करने वाले। नहीं वो तो न्यायालय को तो प्रभावित करते ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेकिन क्या जो ये राइट विंग है, जो सो कॉल्ड राइट विंग कहा जाता है, वो किस हद तक उसके सामने खड़ा हो पाया है, उनके नेटवर्क के सामने ये लोग? कुछ नहीं, कहीं गाढ़ा नहीं हो पाते, बिल्कुल ही बिल्कुल ही उनके सामने नतमस्तक है। मुझे तो ऐसा लगता है, बिल्कुल बोलने में तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन सच्चाई ये कि चर्च का ना ये एजेंडा समझ में आता है इनको, ना इनकी रणनीति समझ में आती है, ना इनका क्या बोलते हैं मानसिक लड़ाई है, ये तो कुछ नहीं समझ में आता इनको, बस अपने दुनिया में मस्त है। ये तो बड़ी चिंता का विषय है। सर मेरा एक सवाल है, जो अब्राहमिक है वो व्यक्तिवाद पर डिपेंडेंट है, बट वो व्यक्तिवाद इधर आ गया, जैसे कि जो भी सो कॉल्ड राइट विंग है उनके लिए एक व्यक्ति महान है, जो कुछ भी कर दे तो वो एक महानता है उनकी, दूसरी तरफ वो जो व्यक्तिवाद को मानते थे वो पूरा अपने इको सिस्टम के लिए काम करते, उनको व्यक्ति से मतलब नहीं है, उनको अपने इको सिस्टम से मतलब है। तो ये बदलाव कैसे किस तरह से आप देखते हैं? बदलाव किसमें? जैसे कि वो अब्राहमिक होते हुए भी जहां व्यक्तिवाद का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने व्यक्तिवाद को छोड़ अपने इकोसिस्टम पर ध्यान दिया, लेकिन दूसरी तरफ एजेंडा व्यक्तिवाद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इन्होंने व्यक्तिवाद को सर्वोपरि मान लिया। उनको एजेंडा बिल्कुल समझ में आता है, इन लोगों का अपना एजेंडा ही स्पष्ट नहीं है, क्या बोलते हैं अपना मानस ही तो स्पष्टता नहीं है, यही तो दिक्कत है। उनको तो बहुत बिल्कुल ही सब स्पष्ट है कि उनको तो पूरा दुनिया के ऊपर कब्जा करना है, बहुत साफ है उनका निशाना, तो साफ है दुनिया के ऊपर कब्जा करना ही करना है। एक जमाने में किया था अभी और हार गए, अभी दोबारा करेंगे तो हारेंगे नहीं, ऐसे करना है, तो उनका तो दिमाग साफ है बिल्कुल। ये अपने लोग नेता तो समझ नहीं पा रहे, बस अपने छोटा बोलते ना क्या बोलते हैं छोटा नजदीक का लक्ष्य, उनका तो दूर का लक्ष्य। चर्च का कम से कम 50 साल या 100, 200, 300 साल का लक्ष्य होता है चर्च के लिए, कम से कम 50 साल। इनका लक्ष्य है कि बस अगला चुनाव या ज्यादा से ज्यादा 5 साल, उससे आगे ये देख नहीं पाते 5 साल से आगे, या अगला चुनाव 1 साल है तो बस 1 ही साल का एजेंडा है उनका, तो 50 साल का एजेंडा है, तो कौन हारेगा? बिल्कुल तय है ना ये। तो मतलब ये जो जिनको भी अपना नेता बताते इनको भी अगर अप्रूवल चाहिए तो उनसे ही चाहिए, अगर इनको भी अवार्ड चाहिए तो उसको खुश करेंगे उनसे। जी जी अप्रूवल उनसे चाहिए, यही तो क्या कहें हम, मानसिक एक बीमारी है, उनसे अप्रूवल लेते हैं जो शत्रु है वो कभी भी अप्रूवल देगा नहीं।
आपको नाक रगड़वाएगा धरती पे, नाक रगड़ने के बाद भी आपको अप्रूवल नहीं देगा, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि आप अप्रूवल लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, वो आपको अप्रूवल कभी नहीं देंगे। ये ऐसे हो गया कि ये अपना भेड़िया खून चूसना छोड़ दे, हो सकता है कभी बकरे खून चूसना छोड़ सकता है भेड़िया? जो आप उनके भविष्य की प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो ग्लोबल एजेंडा है जो कि हमारे जुडिशरी में लागू हो रहा है धीरे धीरे, जैसे LGBTQ हो गया, एडल्ट्री को लेकर जो कानून में बदलाव हुए, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे लोगों को तोड़ने की इस तरह से प्रयास किया जा रहा है ताकि भविष्य में वो जो उनका प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर पाए? तो बहुत हद तक सफल भी हुए, सिर्फ प्लान नहीं है वो, अभी प्लान तो था एक जमाने में, प्लान तो कागज पे था, आजकल जमीन पे उतरा है और उसका नतीजा भी निकल के सामने आया, उसके रुझान भी आपको देखने को मिलते हैं, रिजल्ट भी है सामने। अब देखिए तमिलनाडु का पॉलिटिक्स आप देखेंगे तो वहां सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों चर्च के हाथ में, कभी ऐसा हो सकता है कि दुनिया में कि सारा तंत्र मेरे हाथ में, पक्ष भी मेरा विपक्ष भी मेरा, हो सकता है कहीं, लेकिन है तमिलनाडु में देखिए द्रविड मूवमेंट से निकली हुई पार्टियां हैं दोनों, जो रूलिंग में है जो वो दोनों चर्च के द्वारा चलाई हुई पार्टियां हैं, तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? वो तो तमिलनाडु की बात होगी, वो शुरुआत हुई थी 100-150 साल पहले, लेकिन आजकल है वहां तीसरी पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो गई, बीजेपी को आज तक पांव टिक नहीं पाई वहां पे, है तो द्रविड़ मूवमेंट, ये डीएमके एक डीएमके, तो दोनों के ऊपर चर्च का नियंत्रण है, तो ऐसा ऐसा हालत है। तो बाकी जगहों में कुछ कम नहीं है, आप नॉर्थ ईस्ट का कुछ अलग पिक्चर दिखेगा, तमिलनाडु अलग लगेगा, लेकिन है वो ये उसका मॉडल अलग अलग है, आंध्र का कुछ अलग मॉडल दिखेगा, कर्नाटक का देखिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, अभी अभी कुछ ही सालों में ये जो लिंगायत का जो ये है ना जिसने शुरुआत की थी बसवण्णा, वो बसवण्णा को ईसाई का शिष्य डिक्लेयर कर देंगे कुछ ही सालों में, आप देखिए, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपके माध्यम से, लिख के रखिए बात को, ये जो भगवाधारी स्वामी आज पूरा तैयार हो गए हैं, बसवण्णा को अगल बगल बोलेंगे वो ईसाई से प्रभावित था इसलिए उसने लिंगायत स्थापन किया, तो मेरे को तो आश्चर्य नहीं हो, इनकी पूरी इस हद तक इनकी तैयारी है। तो फिर जो चलिए उनका तो एक अलग मैटर हो गया, लेकिन केंद्र में जो सत्ताधारी जो कि हिंदुत्व के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टी आई थी, वो पार्टी भी जैसे कि अभी प्रधानमंत्री का उनको अपने कैडर्स को उन्होंने मैसेज दिया कि आपको क्रिश्चियंस मुस्लिम्स और जो भी ऑप्रेस सोसाइटी है लाइक जो भी पीड़ित वंचित की बात करते हैं और सिख जो मतलब हिंदू के अलावा सारे उनके बीच जाकर पैठ बनाना है ये सोचे बिना कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के पहल से अब ये लोग और उनके खिलाफ सॉफ्ट होंगे? ना समझिए कि पराकाष्ठा है, मैंने बोला ना समझिए कि पराकाष्ठा, या मैं इससे कड़ी कोई शब्द यूज करूं क्या? इससे बढ़कर ना समझी हो नहीं सकती, और भी इतना बड़ा नेता यार, इतना इतने साल का पब्लिक लाइफ में यू नो सार्वजनिक जीवन में अनुभव होने के बाद भी आज ऐसी बात करेंगे आप, आपको तो कुछ समझ में नहीं आता इसका मतलब ना। अगर जैसे कि पहले मिशनरीज थे उनको थोड़ा आरएसएस से डर लगता था, कहीं बजरंग दल से डर लगता होगा, अब तो शायद वो डर खत्म हो जाए और कुछ ऐसा मामला भी हो तो ये चुप रहेंगे क्योंकि इनको तो भरोसा जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको इनको सत्ता दो, मेजॉरिटी दो, चाहे दो तिहाई बहुमत दो, फिर भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, चर्ची हावी होगा। अब बोलेंगे कि हमारे पास दो तिहाई बहुमत, अगर दो तिहाई नहीं 3/4 बहुमत दे तो फिर भी बोलेंगे नहीं, चर्च के सामने नतमस्तक ही होंगे, क्योंकि इनकी मानसिक तैयारी नहीं है, इनकी अध्ययन नहीं है, ना इनके इनके इनका इनकी समझ है उनकी मानस के बारे में, तो ये कमी है इनकी। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये समय पार कर रहे हैं कि कैसे भी करके चलो जैसे मैम इस तरह से इस तरह की बातें करते रहेंगे और हमारा टाइम निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ अपना टाइम काट रहे हैं, बस सत्ता में बने रहो मस्त करो और वो अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, अगले कुछ साल में आपको रिजल्ट दिखेगा। बिल्कुल साफ, अभी 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 अगर आप देखना चाहते अभी रिजल्ट दिखता है, फिर भी आप नहीं देखना चाहते तो अगले 5-10 साल में बिल्कुल साफ दिखाई देगा, कई उदाहरण तो मैंने दे दिए अभी आपको, साउथ के दे दिए, नॉर्थ ईस्ट के, पूरा भारत में यही दिखेगा आपको।
उतना स्पीड तो से सर जा रहे जो हो। तो सर यहाँ की जो मेजोरिटी कम्युनिटी है उसको ये बता दिया कि तुम एक व्यक्ति के बदौलत हो जो कि वो 5 साल से ज्यादा आगे सोचने की कंडीशन में नहीं है। जी बिल्कुल, उसको ये नहीं पता कि 5 साल बाद उसका जो घर है पुश्तैनी वो बचेगा नहीं बचेगा, वो कहाँ जाएगा, किस हालात में होगा, घर के साथ क्या होगा, उसकी जमीन जायदाद क्या सब कुछ होने वाला है। लेकिन वो बस 5 साल के चक्कर में बैठा हुआ है कि बस हमारे नेताजी नहीं तो अब कौन। नहीं, जनता में जागरूकता आ रही है। देश जहां तक मैं देखता हूं कि जहां आप बहुत ही बारीकी से गौर करें, तब तो समझ में आएगा कि जनता में जागरूकता आज के दिन में बहुत ही ज्यादा है। आपको 10 साल पहले देखने को नहीं मिलता मिलता था, अब मिल रहा है। बहुत ही ज्यादा जागरूकता लोगों में है, आम लोगों में है, सामान्य जनता में है, लेकिन नेताओं में नहीं है। नेता में बिल्कुल ही सोए पड़े हैं। ये तो बहुत ही एक क्या बोले, दुख की बात है। जनता में जागरूकता बहुत ज्यादा है आजकल। वो तो हर चीज को बिल्कुल समझते हैं ना। अब आप देखिए, अभी अभी देखिए, मोदी जी को 202 2014 में 2019 में जिताया किसने था? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिताया था? उससे ज्यादा सामान्य लोगों ने, जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, मेंबर नहीं, उन्होंने जाके जाके कैंपेन किया, वोट भी दिया, दूसरों को वोट भी ला के दिया। तो क्यों किया उन्होंने? उनको लगता था कि कुछ बदलना चाहिए। अभी वो लोग दुखी है ना, वो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, उन्होंने जीता है। ये याद रखना जरूरी है मोदी जी को, कि उनको नाम बीजेपी कार्डर में नहीं जीता है, आम लोग जो कि जो देश के बारे में सोचते हैं उन्होंने जीता है। अगर उनका आप विश्वास खो गया, खो देते हैं, तो बस आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। नहीं, इनको तो ये लगता है ना कि पॉलिटिक्स जो है वो बयानों के आधार पर जीत लिए जाएंगे, जैसा कि अभी बयान शुरू है। और पॉलिटिक्स में आप ये देखिए कि 5 साल किसने क्या किया वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि उस समय कौन क्या बयान देता है, कुछ ऐसे ही मुद्दे उछाल दो जिसका विरोध दिखाकर वोट ले लो। अब तक हुआ है, अभी नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ, अभी तो इसका पॉलिटिक्स का पूरा मोड बदल गया। अभी वो एक जमाने में चलता था कि गरीबी हटाओ, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल तक गरीबी हटाओ चलता था, अभी नहीं चलता है। अब लोग पूछेंगे, ये ठीक है, एक बारी के लिए आपको समझ में आया, 5 साल में आप कर नहीं पाए, समझ सकते थे, अभी 10 साल होने आए, अभी नहीं कर सकते, तो आपको सक्षम नहीं है। इसका मतलब लोग सीधा पूछेंगे ना, आपसे हो नहीं पाएगा, बस बाजी हट जाओ, कोई दूसरे किसी को रास्ता छोड़ दो। अब लोग इसी मूड में हैं बोलने के लिए। आगे नहीं चलेगा इस देश में। अब ये बट फिर ये भी बात कर, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। अब देखिए, विकल्प तो आएगा। इस देश में ये ऐसी धरती है, ये डीएनए में ऐसा ये है इस लोगों के, विकल्प आप सोच भी नहीं सकते। अभी 1 महीने में, 2 महीने में विकल्प निकला आएगा। अभी हम फिर भी ज्यादा टाइम है, साल से भी ज्यादा है, 2 2 महीने में विकल्प निकल आएगा। ऐसी धरती है, ऐसा क्षमता इस देश के लोगों में है। तो इस गुंजाइश में मत रहिए कि विकल्प नहीं है तो सामने पप्पू है तो हम ही जीतेंगे ना। वो जमाना गया, अब विकल्प आएगा, बिल्कुल आएगा, और ये बिल्कुल आना भी सही है। तो आएगा। सर एक आपसे आखिरी सवाल है कि जो इन्होंने पहल की है, मतलब उस क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के बारे में ज्यादा बता सकते हैं, तो उनके बीच जाने से इनको क्या फायदा होने वाला है, जो इनके कार्यकर्ता जाकर उनको समझाएंगे, अपनी नीति बताएंगे, क्या होगा? फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। फायदा तो 1 रुपए का फायदा नहीं होगा, बिल्कुल साफ बात है, लेकिन नुकसान इतना ज्यादा होगा कि वो सामने वाले आपके मानस को बिल्कुल समझेंगे। अब तक आपको आधा या 2/3 समझे थे, पूरा आपका मानस समझ में आएगा। जब आपका मानस समझ में आएगा तो उनको अगली रणनीति बनाने में आसान होगा। तो आप तो पूरे नतमस्तक की स्थिति में है, तो बस फिर तो मैदान खुला मैदान है, जहां जाओ ये करो। तो ये दिक्कत लगती है मेरे को, कि आपके लोग भेजने का मतलब है कि आप अपना अपना रणनीति उनके सामने खोलना, कि अपना वीकनेस जो है ना, क्या बोलते हैं, आपकी वीकनेस है उनके सामने खोलना। आपके पास बहुमत है, वो है, सब कुछ है, फिर भी आप ना कुछ, एक ही कमी है कि रीढ़ की हड्डी नहीं है बस। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद अगर इस तरह के कदम उठाने के बाद मिशनरीज और ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे जी, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, हो जाएंगे ही। अभी तो सक्षम है वो,
और भी हो जाएंगे। अब ये भ्रम में मत रहो कि हमारे पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, सरकार हमारी है। ना, बिल्कुल तंत्र उनका है, सरकार चाहे मेजोरिटी आपकी, तंत्र उनका है पूरा, और दिन ब दिन वो पकड़ उनकी मजबूत होती जा रही है हर क्षेत्र में। तो ये जो पॉलिटिकल, जो भी पॉलिटिशियन है, बेशक नाम तो इनका हिंदू वाला ही है, जो भी एक्स वाई जेड हो, बट उनके साथ ऐसा क्या है कि इनको गुमराह कर लेती है? कौन जो भी उसकी बात कर हिंदू पॉलिटिशियन हिंदू के नाम पे ही आते हैं, जो भी आज के पॉलिटिक्स की बात करें तो, लेकिन जो भी पंच मकारों का जो सिस्टम है, उनके अंदर ऐसा क्या है जो इनको अपने बस में कर लेती है नहीं बिना इनके उनके लिए कुछ पास, किए भी? नहीं उनके पास तो वही बोला ना, मानसिक लड़ाई है और हमेशा चर्च जीती रही है मानसिक लड़ाई में। तो उनका देख क्या बोलते हैं कि टाइम टेस्टेड ये बोलते हैं कि 1000 सालों से, 100-200 साल भी, 1000 सालों से इन्होंने जो रणनीति अपनाई चर्च ने, हमेशा वो जीते हैं उसमें, सक्सेसफुल रहे हैं। और किसी का यू नो मानसिक लड़ाई में ना कोई मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया में, चर्च के सामने मानसिक लड़ाई में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और इनको ये बात समझ तक नहीं आई, मुकाबला करने की बात तो दूर, तो हिंदू नेतृत्व को बात समझ में भी नहीं आई अभी तक। अब देखिए एक उदाहरण देता हूं मैं, आपने एक सुना होगा कि गोबेल, गोबेल्स लॉ, एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। किसने कहा था ये बात? गोबेल, जो गोबेल ये अपना हिटलर का एक मंत्री था, उसने कही थी ये बात, और है भी, उन्होंने प्रूव भी किया, एक झूठ को 100 बार बोल के उन्होंने सच साबित भी किया है। लेकिन गोबेल पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले से उसका बाप भी पैदा, उससे पहले से चर्च ने यह बात अपनाई है। ये चर्च का फॉर्मूला है, गोबेल का फॉर्मूला नहीं, नाम तो गोबेल का आया क्योंकि उन्होंने उसका व्याख्यान दिया, लेकिन चर्च ने सदियों तक ये बात प्रैक्टिस करके एक झूठ को दोहरा दोहरा के सच साबित किया है, आज भी करते रहे हैं, बहुत ही कामयाब रहे हैं उस उसमें, और अपना देश भी, अपना नेतृत्व भी उसमें बह गया पूरा। नैरेटिव पे डरते हैं, सबसे बड़ा वीकनेस है कि बीजेपी नेतृत्व नैरेटिव से डरते हैं, मीडिया से डरते हैं, और उनको पता है इनका वीकनेस, तो बस इनको उसी से डराओ, उसी डंडे से डराओ कि नैरेटिव क्रिएट करो, चाहे उनको एक एक ये बोलते हैं ना, इतना इतना सा भी, एक तिल के जितना सा भी मैटर नहीं है, फिर भी पहाड़ बना देंगे उससे। तो खतरा है, उनको पता है कि किस बात से डरते हैं, तो डराओ, अपना एजेंडा चलाओ। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने इनकी कमजोर नस को पकड़ लिया है, जो भी हिंदू पॉलिटिशियन आते हैं इनकी कमजोर नस को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। चलिए सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम जी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।